खालस टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हेडलाइंस के नाल मैं पुनीत कौर। अज दी खास खबर शुरू करन तो पहला पेश है अज का खालस विचार। अज का विचार असी तुहानू श्री गुरु अर्जन साहिब जी की बाणी के विचों सुनावांगे। जिहो जिहा तुसी कर्म करते हो उहो जिहा ही तुहानू फल मिलता है। यह सब कर्मां दी खेड है। हुण पेश ने अज दीआं खास खबरां। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ईद मौके मलेरकोटला नूं ऐलानिया पंजाब दा 23वां जिला। मलेरकोटला विच लड़कियां दे लई 12 करोड़ रुपए की लागत नाल बनेगा एक कॉलेज। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीता ऐलान। मलेरकोटला विच बनेगा एक नवा बस स्टैंड। 10 करोड़ रुपए की आवेगी लागत। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीता ऐलान। मलेरकोटला विच औरतां लई बनेगा एक थाना। थाने विच सिर्फ औरत अधिकारी ही करनगियां काम। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीता ऐलान। 12वीं दीआं बोर्ड प्रीख्यावां नूं रद्द करन वाले हाले नहीं कीता गया कोई भी फैसला। CBSE ने दित्ती जानकारी। दिल्ली के साबका विधायक जरनैल सिंह की कोरोना कारण हुई मौत। दिल्ली के सुपर स्पैशलिटी हस्पताल में चल रहा है इलाज। एयर कैनेडा ने भारतीय उड़ाना ते वधाई पाबंदी। 22 जून तक जारी रहेगी पाबंदी। अमिताभ बच्चन तो ले पैसों का मैनू नहीं सी पता। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया दावा। क्या मेरे खिलाफ किया जा रहा है झूठा प्रचार। जागो पार्टी के प्रधान मनजीत सिंह जीके ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान से दिता प्रतिक्रम। कहा 2 करोड़ रुपए लैके सिरसा ने वटी चुप। श्री अकाल तख्त साहिब जी के सबका जथेदार पंथ अकाली लहर के प्रधान भाई रणजीत सिंह ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा से कसिया निशाना। कहा सिरसा ने बोलिया बहुत वड्डा झूठ। पंजाब विच सारे सरकारी अते प्राइवेट कर्मचारियों का कोरोना टीकाकरण होया शुरू। पहली भारतीय विज्ञानी डॉक्टर गगनदीप कंग ने पंजाब नूं कोरोना वैक्सीनेशन से दित्ती सलाह। कहा कोविशील्ड की वरतों से होर दिता जाए जोर। पटियाला के रजिंदरा हस्पताल विच बने कोविड केयर सेंटरां विच कोविड मरीजों नूं लगाए जाने वाले महंगे टीके होए चोरी। अमरीका के इनफेक्शन डिजीज़ माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची ने सारे मुल्कों कोरोना वैक्सीनेशन से दित्ती सलाह। कहा कोरोना वैक्सीन की एक तो दूजी डोज में ना वधाया जाए गैप। गोवा के एक सरकारी हस्पतालों में 15 कोरोना मरीजों की हुई मौत। कोर्ट के हिसाब नाल कोविड 19 प्रोग्राम जेकर नाकाम रहिंदा तां की असी फांसी लै लईए। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने दिता बयान। छत्तीसगढ़ सरकार वालों कोरोना महामारी कारण मर चुके परिवारों के बच्चों नूं करवाई जाएगी मुफ्त पढ़ाई। हैदराबाद विच स्पूतनिक वैक्सीन का लगाया गया पहला टीका। कोरोना के फैलाव लई धार्मिक अते सियासी समागम हन मुख कारण। विश्व सेहत संस्था ने किया दावा। शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधु का होया देहांत। लंबे समय तो सन बीमार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभय सिंह संधु ते हुण तक के इलाज में आए खर्चे की भरपाई करन दा कीता ऐलान। 26 मई नूं पिंड पद्धर ते मोदी सरकार अते खेती कानूनां दे फूके जाणगे। पुतले घरां ते लहराईयां जाणगियां कालियां झंडियां। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां ने कीता ऐलान। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगवाई हेठ किसानों का 13वां जत्था अमृतसर तो दिल्ली नूं होया रवाना। 20 मई नूं तरनतारन जिले तो होवेगा किसानों का अगला जत्था दिल्ली नूं रवाना। किसानी अंदोलन कारण पिंडां विच वध रहे ने कोरोना के केस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिता बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 करोड़ किसानों नूं PM किसान योजना तहत 20,000 करोड़ रुपए की 8वीं राशि की जारी। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बेअदबी मामलों च फिर सवालों के घेरे च किया खड़ा। कहा 6 साल बाद असी SIT की होर जांच ते क्यों कर रहे हैं उड़ीक। कांग्रेस विधायक नवनीत सिंह बिट्टू ने नवजोत सिंह सिद्धू दे कसिया निशाना। कहा सिद्धू की आ चुकी है एक्सपायरी डेट जल्द बदलणगे पार्टी। श्रोमणी अकाली दल दे लीडर विरसा सिंह वलटोहा ने नवजोत सिंह सिद्धू दे कसिया निशाना। कहा सिद्धू की अपनी पार्टी प्रति नहीं है वफादारी। भारतीय सेना ने 3 दिनों में तैयार किए 5 ICU 45 ऑक्सीजन बैडों की कोविड यूनिट। सेना के सीनियर अधिकारियों ने दी जानकारी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मीडिया कर्मियों ते उन्हां दे परिवारां लई कीता ऐलान। कोरोना पीड़ित होण ते कीता जाएगा उन्हां दा मुफ्त इलाज। गाजीपुर के एक पुलिस अधिकारी ने गंगा विच लाशां ना सुट्टन दी कीती अपील। अमरीका विच लोकां नूं मास्क ना पाउण दी दित्ती गई खुल। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कीता ऐलान। कैनेडा ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ते लाई रोक। इजराइल ने उत्तरी गाजा विच कीती फायरिंग। तुर्की अते पाकिस्तान 57 मुस्लिम देशां नूं कर रहे हन इकजुट। तुर्की की कंपनी कार पावरशिप ने लिबनान नूं बिजली सप्लाई बंद करन दा कीता फैसला। केपी शर्मा ओली ने नेपाल दे प्रधानमंत्री वजों तीजी बार चुकी सहुं। हेडलाइंस वेखण वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।